नमस्कार दोस्तों, वेवन विधरियों में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जलियांवाला बाग कांड की, ठीक है ना। जलियांवाला बाग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रहा है जो है, ठीक है, जहां से जो है एक अलग ढंग के जो है प्रवृत्ति व्याप्त हुई, ठीक है, विरोध करने का, और एक उग्र जो है विचारधारा ने जन्म ले लिया, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये चर्चा में है क्योंकि 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हुए, ठीक है। 13 अप्रैल 2019 को क्या हुआ, 100 वर्ष पूरे हुए। दुर्भाग्य से इस बार भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने इस घटना के प्रति गहरा खेद तो प्रकट किया किंतु औपचारिक क्षमा प्रकट करने से इनकार किया। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, जबकि हम लोग आशा कर रहे थे, पूरा देश आशा कर रहा था कि वो औपचारिक रूप से क्षमा मांगेंगे इस घटना के लिए। सन 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझावों के अवलोक में फरवरी 1919 में केंद्रीय विधायिका में दो विधेयक प्रस्तावित किए गए जिनके प्रावधान न वकील न अपील न दलील वाली संकल्पना पर आधारित थे। इस प्रस्तावित रोलेट एक्ट के विरोध में देश भर से आवाज़ें उठने लगी। इस राष्ट्रवादी भावना के दमन के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने पंजाब में सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचनी, जो कि उस समय पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कौन, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचनू, ठीक है, को पंजाब से गिरफ्तार कर बाहर भिजवा दिया गया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आसपास के गांव से भी भारी संख्या में लोग आए थे। जनरल डायर ने इस आयोजन को ब्रिटिश सरकार की अवहेलना समझा और बिना किसी पूर्व चेतावनी की उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आधिकारिक स्तर पर मृतकों का आंकड़ा तो 379 बताया गया, लेकिन कांग्रेस के अनुसार यह आंकड़ा 1000 से भी अधिक था, ठीक है। इस घटना के प्रतिघात स्वरूप सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में, कहाँ पे, लंदन के कैस्टन हॉल में, इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसे अछूती ना थे। इस घटना के विरोध में उन्होंने अपने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिए गए सम्मान नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जिससे उन्होंने अपने नाम के साथ जुड़ा सर भी त्याग दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर अमृतसर में होने जा रहे स्मारक समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी कर रही है। स्मारक सिक्का और क्या जारी हो रहा है, डाक टिकट जारी कर रही है। ये सिक्के प्रचलन में नहीं होंगे और कोलकाता टकसाल इन्हें प्रीमियम दरों पर कुछ महीने बाद ऑनलाइन बुकिंग काउंटर सेल के जरिए बेचेगी। 100 रुपये का यह सिक्का 50% चांदी के अलावा निकिल, ताबा और आदि धातुओं से बना हुआ। 50% इसमें क्या है, चांदी, उसके अलावा निकिल है, ताबा, ये सब धातु से मिलकर बना है। सिक्के के एक पहलू पर जलियांवाला बाग में बना स्मारक स्तंभ उकेरा गया है। इसी पर हिंदी में जलियांवाला बाग नरसंहार शताब्दी स्मारक स्तंभ के नीचे 2019 और उसके नीचे अंग्रेजी में ये सारे वर्ड लिख दिए गए हैं। देखिए, जलियांवाला बाग मैसर्स, ठीक है, सेंचुरी ऑफ जलियांवाला बाग, ठीक है ना। तो सेंचुरी इसकी मनाई गई, शताब्दी मनाई गई, तो इसी को यहाँ पर उकेर दिया गया, लिख दिया गया, ठीक है। दूसरे पहलू पर अशोक स्तंभ, इसके नीचे सत्यमेव जयते रुपए के चिन्ह के साथ 100 रुपये तथा दोनों किनारों पर भारत और इंडिया लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल हुए। इन्होंने इस स्मारक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच और कम्युनिकेशन ब्यूरो द्वारा आयोजित नरसंहार प्रदर्शनी को भी देखा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि जलियांवाला बाग से संबंधित था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं बेवन विधारियों में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।